राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। बीमारी से बचने के लिए उपाय, या घर में कोई लंबी बीमारी चल रही हो जिससे कि आपके परिवार का कोई सदस्य किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हो, तो उसको आराम देने के लिए या बीमारी कोई लंबी से बचने के लिए एक साधारण सा उपाय लाल किताब के अनुसार कहा गया है, उसी का जिक्र मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। लाल किताब में जिक्र है कि अगर आपके घर में कोई लंबी बीमारी से पीड़ित है या आप अपने परिवार के सदस्यों को और खुद को लंबी बीमारी से पीड़ित होने से बचाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि जब भी आप शमशान घाट के आगे से गुज़रें उसके अंदर कोई एक सिक्का गिरा दिया करें। सिक्का कितने का हो इसके बारे में जिक्र नहीं है, हाँ सिक्का आप ज़रूर गिरा सकते हैं। तो ये सिक्का आप बाहर से भी गिरा सकते हैं, या आपको शमशान के अंदर जाने का मौका मिले तो वहाँ पर दान पात्र लगा होता है, वहाँ पर भी आप कोई सिक्का 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये जितने का चाहे वह अंदर पेटी में डालकर आ सकते हैं। तो ये उपाय करने से आपके परिवार में बीमारी से लंबी चलने वाली से बचाव होगा। अगर पहले ही आपके घर में कोई लंबी बीमारी से पीड़ित है तो उसको भी आराम मिलेगा काफ़ी हद तक इस उपाय को निरंतर करने से, यानी कि जब भी आप शमशान घाट के आगे से गुज़रें तो कोई भी एक सिक्का शमशान घाट के अंदर गिरा दे। अगर अंदर जाने का मौका मिले तो दान पेटी में कोई एक सिक्का ज़रूर डाल के आए। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर करें ताकि ज्योतिष के प्रेमियों तक इसकी जानकारी ज़रूर पहुँचे। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राम राम।